हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 34 में। तो पिछले हफ्ते का सैटरडे ब्लड एंड थंडर के साथ एंजॉय करने के बाद वेलकम अगेन ऑन सुपर सैटरडे और फटाफट चलते हैं इस वीक के मार्वल के अपडेट्स पे। तो हमारी सबसे पहली अपडेट है कि पनिशर वापस आ रहा है, वो भी डेयर डेविल बॉर्न अगेन शो में। हाँ जी, तो तुम सबको वो रूमर तो याद ही होगा कि डेयर डेविल शो में जेसिका जोन्स के अपीयर होने की बात सामने आई थी, बट अब उस रूमर को डीबंक कर दिया गया है द गीक वर्ल्ड वाइड के तरफ से। उन्होंने आगे बताया कि शो में पहले जेसिका जोन्स का जो रोल होने वाला था उसे अब रिप्लेस कर दिया गया है एक पॉपुलर कैरेक्टर के साथ, जिसे बाद में केप टाइम वालों ने रिफाइन कर दिया और कहा कि वो पॉपुलर कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली जॉन बर्नथाल का पनिशर हो। तो अब अगर ऐसा हुआ ना तो भाई मजा ही आ जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो पूरे 5 साल बाद हम इस कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन देखेंगे। और जैसी रेप्यूटेशन जॉन बर्नथाल के पनिशर की है, उस हिसाब से तो भाई ये सीरीज अपने टोन पे एकदम ऑनेस्ट रहेगी। अब इस रूमर पे आप सबका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है कि फंटास्टिक फोर की मूवी को उसके राइटर्स मिल चुके हैं। एमसीयू ने जेफ केपलन और इयन स्प्रिंगर को हायर किया है मूवी को लिखने के लिए। साथ ही इस मूवी को लेके किसी भी तरह के कास्टिंग रूमर को नकार दिया गया स्टूडियो के तरफ से, बट हाँ इतना पता चला है कि खुद मूवी के डायरेक्टर शैकमन और फाइगी कास्टिंग के काम में लगे हैं, बट अभी के लिए सभी रूमर्स को डीबंक कर दिया गया है। तो लेट्स सी कि एमसीयू किन एक्टर्स को अपने फंटास्टिक फोर का हिस्सा बनाती है। अगली अपडेट है कैंग डायनेस्टी से। तो कैंग डायनेस्टी के राइटर चुन लिए गए हैं, जो है जेफ लवनेस। अब जेफ की ये दूसरी मार्वल मूवी होगी, पहली मूवी उनकी रहेगी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटुमेनिया। तो हाँ जी, क्वांटुमेनिया के बाद सीधा कैंग डायनेस्टी पे काम शुरू हो जाएगी, और जो शेड्यूल जारी करी गई है उस हिसाब से कैंग डायनेस्टी की शूटिंग अगले साल के एंड से शुरू हो जाए। जिसके बाद अभी एक दिन पहले लवनेस ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया और फैंस से पूछा कि एक स्टोरी कैसे लिखी जाती है, जो कि एक हिंट दे गई कि शायद कैंग डायनेस्टी के स्क्रिप्ट पे वर्क शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहां एक डिलीटेड सीन शेयर किया गया है जो कि एक्चुअली कामारताज फाइट की होने वाली थी। इस फाइट में हमें अपनी वांडा दिखती है एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, एंड ये फाइट सच में बवाल और आर रेटेड होती अगर मूवी में रख दी जाती तो, बट नो डाउट ये सीन तो कटनी ही थी। वैसे इस सीक्वेंस पे आपका क्या मानना है हमें जरूर बताएं। अब हमारी अगली अपडेट है आर्मर वॉर्स से। तो आर्मर वॉर्स के डिस्क्रिप्शन में फाइनली ये रिवील कर दिया गया है कि इस शो में हमें वॉर मशीन आर्मर के डिफरेंट वर्जन्स भी दिखेंगे। और अगर आपको याद हो तो खुद डॉन शेडल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्मर वॉर्स के इवेंट ठीक सीक्रेट इन्वेजन के बाद से शुरू होंगे। तो आर्मर वॉर्स में अपने रोडी किन मिस्ट्रीज का पीछा करेगा उसका सबसे बड़ा हिंट हमें सीक्रेट इन्वेजन से ही मिलेगा। सो इतने सालों और इतने फेजेस के बाद अब जब रोडी को वो ट्रीटमेंट मिल रहा है जो वो डिजर्व करता है, तो देख के सच में अच्छा लग रहा है। कॉज यार थोड़ा भौकाली होना चाहिए ना, कि जब वॉर मशीन नाम लिया जाए तो एक खौफ पैदा हो कि भाई सच में कोई रेकलेस वॉरियर आ रहा है। वैसे एक और रिलेटेड अपडेट है आर्मर वॉर से कि इस सीरीज के राइटर्स की लंबी लिस्ट में अब ओबी वान कनोबी के राइटर रायना मैकलेंडन को भी ऐड कर दिया गया है। सो लेट सी, आर्मर वॉर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बन सकती है। वहीं एक लास्ट न्यूज एक्चुअली काफी कमाल की है। तो अभी रिसेंटली एक बड़ी अमेजिंग न्यूज आई है टॉम हार्डी के तरफ से। तो टॉम हार्डी चुपके से एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में घुस गए थे एंड बंदा वहां से जीत के निकला है। वैसे ये एक जुजुत्सु टूर्नामेंट था जिसमें टॉम ने पुराने चैंपियन को भी हरा दिया। मतलब यार बंदे का डेडिकेशन गजब का है, एक्टर्स ऐसे ही मेहनती और टैलेंटेड होने चाहिए। मतलब द डार्क नाइट राइजेस चली गई बट अंदर का बेन नहीं गया। तो ये तो थे मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं डीसी की अपडेट्स पे। तो भाई साहब इस अपडेट से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। डीसी ने कॉन्स्टेंटिन मूवी अनाउंस कर दी है जिसमें कियानू रीव्स अपने कॉन्स्टेंटिन के रोल को रिप्राइज करेंगे। मतलब भाई डीसी गजब खेल गया फेस वैल्यू पे। अब कियानू की फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है ये बताने की जरूरत भी नहीं। ऊपर से कियानू एंड कॉन्स्टेंटिन लोग
काफी समय से दोबारा देखना चाहते थे। अब सिर्फ यही एक अनाउंसमेंट नहीं आई थी, इस कॉन्स्टेंटिन सीक्वल के न्यूज के साथ दो और अपडेट आई कि HBO Max की कॉन्स्टेंटिन सीरीज और मैडम एक्स सीरीज दोनों कैंसल कर दी गई है। अब हो भी क्यों ना यार, इट्स कियानू रीव्स मैन, उसके आगे सब फीके रहेंगे मेन स्ट्रीम में। सो होप सो कि DCEU इस चेंज के साथ चीजें अपने हक में मोड़ना शुरू कर दे। अब नेक्स्ट अपडेट है ब्लैक एडम से, तो ब्लैक एडम का एक और पोस्टर रिलीज किया गया है, बट मेन न्यूज तो कुछ और है। तो तुम सबको पता ही होगा कि अभी दो दिन पहले ब्लैक एडम से एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया था। उस टीजर में जॉस वेडन के जस्टिस लीग से कुछ सीन्स यूज किए गए थे। अब उसके वजह से फैंस आक्रोशित हो गए और स्टूडियो को बैकलैश झेलना पड़ गया कि तुमने जॉस वेडन के क्लिप्स क्यों लगाए। अब ये बात जैसे ड्वेन जॉनसन को पता चली, वार्नर ब्रोस ने तुरंत टीजर हटा दिया और री एडिट करवा के उस टीजर को दोबारा डलवाया गया। एंड इसके बाद ड्वेन ने ट्वीट भी किया कि अब फैंस की हर बात का ध्यान रखा जाएगा, मतलब लोग जो भी कहें बट ये बंदा DCEU को लेके सच में सीरियस है यार, जो कि काफी सराहनीय बात भी है। नाउ नेक्स्ट अपडेट है द फ्लैश मूवी से, तो द फ्लैश मूवी से पहले एक प्रीक्वल कॉमिक निकाली गई है जो कि मूवी से पहले के इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रही है, जिसमें हम फ्लैश को गर्डर से लड़ते देख सकते हैं। वैसे हाँ, जो तुम लोग सोच रहे हो ना उसी पे आता हूं, तो नहीं, इस कॉमिक में दी फ्लैश मूवी से पहले लॉर्ड एज़रा के कांडों का जिक्र नहीं है, तो उस एक्साइटमेंट में मत जाओ यार। नाउ जोक्स अपार्ट, हमारी अगली अपडेट है कि डूम पेट्रोल शो को उसके फोर्थ सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है। अगली न्यूज है कि हमें फाइनली जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग के डार्क साइड को एक्शन में दिखाया गया टीन टाइटन्स गो के लेटेस्ट एपिसोड में। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं तो टीन टाइटन गो की 365वें एपिसोड में जैक स्नाइडर को फीचर किया गया। उसके बाद थोड़े वक्त के लिए टीन टाइटन्स गो का एनिमेशन रिवर्ट बैक हो गया उनके पुराने और ओरिजिनल आर्ट स्टाइल में, जहां टीन टाइटन्स आमने सामने थे डार्क साइड के, जहां रॉबिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से बैटमैन का फेमस डायलॉग डार्क साइड को चिपका दिया कि टेल मी डार्क साइड डू यू ब्रूस इजीली। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि टीन टाइटन्स गो में डार्क साइड को दिखाया गया है, बट इस बार DCEU वाले डार्क साइड को फीचर करके ये शो अलग ही लेवल पे चली गई यार। तो जिन्होंने टीन टाइटन गो की मूवी नहीं देखी है उन्हें मैं कहूंगा कि देखो, इतने ईस्टर एग्स है ना कि तुम पगला जाओगे। फाइनल अपडेट है दी फ्लैश टीवी सीरीज से, तो अपने फाइनल सीजन के लिए इस शो ने अपने नए कैप्टन बूमरैंग को चुन लिया है और रिचर्ड हार्मन हमें इस नए रोल में नजर आएंगे। तो ये तो रहे DC की अपडेट्स, वैसे मेजर हॉलीवुड अपडेट्स में तो बस एक ही अपडेट है, तो उसे ही बता देता हूँ। तो हमारी एक ही अपडेट जो है वो ये है कि एक नई कराटे किड मूवी आने वाली है। हाँ जीज, अभी सोनी ने अपने 2023 से 24 के मूवी स्लेट को जारी किया, जिसमें 3 नए मूवीज एडेड थे। अब इस लिस्ट में जो सबसे ध्यान खींचने वाली मूवी थी वो थी दी कराटे किड। वैसे ये मूवी जून 7 2024 को आएगी एंड अभी इसके कास्टिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कराटे किड के लिए कौन सही रहेगा? और गेम ऑफ थ्रोन फैंस, वो 10,000 शिप्स वाली न्यूज ना काफी पहले से चर्चे में है, वो कोई रीसेंट अपडेट नहीं, तो लेट्स सी कि वो रूमर कब सच होती है। वैसे हिंट्स तो हाउस ऑफ द ड्रैगन में दे दिए गए थे। नाउ अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो हमारी सबसे पहली अपडेट है कि रास्कल्स डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई का एक स्पेशल स्ट्रीम अनाउंस किया गया है आज 24 सितंबर को। सो लेट्स सी कि इसमें क्या निकल करके आता है, तो साकुरा जिमा सेनपाई फैंस रेडी रहना। नाउ नेक्स्ट अपडेट है ब्लू लॉक एनिमे से, तो इस एनिमे का एक और ट्रेलर रिलीज किया गया है और साथ ही ये भी अब अनाउंस कर दिया गया है कि ये 24 एपिसोड्स की होगी। अगली न्यूज है साइतामा फैंस के लिए, तो वन पंच मैन की गेम अब इंटरनेशनली रिलीज कर दी गई है और हाँ, ये एक मोबाइल गेम है तो अब गेम में भी एक पंच मार के लेवल पार कर लो। अगली अपडेट है उजाकी चैन से, तो उजाकी चैन वांट्स टू हैंग आउट के सेकंड सीजन का एक और ट्रेलर रिलीज किया गया और इसके एंडिंग थीम को भी फीचर किया गया। ये शो 1 अक्टूबर से एयर करी जाएगी। जुजुत्सु काइसन जीरो मूवी अब फाइनली क्रंची रोल पे स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है। चेनसॉ मैन से ये अपडेट है कि किशिबे का रोल करने के लिए सुदा केंजिरो को चुना गया है एंड मैं तो कहूंगा कि इससे परफेक्ट चॉइस नहीं हो सकती। जिन्हें नहीं पता केंजिरो कौन है, तो तुम सबने नानामी सेंसे की वॉइस सुनी होगी। हाँ जी, तो ये वही बंदा है। वहीं चेनसॉ मैन का एक नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया एंड इस एनिमे की हाइप इतनी ज्यादा है कि 24 घंटे हुए भी नहीं थे और ये ट्रेलर 11 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई थी। साथ ही चेनसॉ मैन का ये पहला सीजन 12 एपिसोड्स का होगा। नेक्स्ट अपडेट है अटैक ऑन टाइटन से, तो अटैक ऑन टाइटन को लेके एक स्पेशल इवेंट अनाउंस किया गया है नवंबर 13
2013 को। अब इस इवेंट के लिए एक नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। अब वन पीस पे भी एक गेम आने वाली है, तो वन पीस ओडिसी गेम जनवरी 2023 को आने वाली है। ये कंसोल और पीसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी। अगली अपडेट है हंटर हंटर से। तो तकरीबन 4 सालों के बाद हंटर हंटर का एक नया वॉल्यूम रिलीज किया जा रहा है। ये वॉल्यूम 37 होगा जो कि 4 नवंबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट है कि माई ड्रेसअप डार्लिंग के सीक्वल को अनाउंस कर दिया गया है। वैसे इस एनिमे का सीक्वल कभी प्लान्ड था ही नहीं, तो हो सकता है कि जितनी पॉपुलैरिटी इस एनिमे ने बटोरी शायद उसके बाद स्टूडियो का मन बदल गया हो। और आज की हमारी फाइनल अपडेट है कि जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का एक टीजर विजुअल रिलीज किया गया है, जिसमें हम गोजो, गेटो और शोको को देख सकते हैं, जो कि ये बता रही है कि शायद ये सीजन 2 सिर्फ गोजो के पास्ट आर्क पे ही फोकस करे। एंड बेसिकली मैं भी यही चाहता हूं कि सीजन 2 सिर्फ पास्ट आर्क पे रहे और सीजन 3 पूरा का पूरा शिबुया आर्क रहे, तब मजा आ जाएगा। तो गाइज, ये तो थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी सुपर असम कंटेंट और न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।